थैंक यू सो मच. वेल आई थिंक अब मेरे और तन्वी के लिए एक नया और स्पेशल या एक स्पेशल डोर खुल गया है. वी बोथ हैव गॉट इनटू इवेंट्स. वी क्यूरेट इवेंट्स, वी होस्ट देम, लाइक यू नो, सो एंड वी वर्क विद लॉट ऑफ ब्रांड्स. एंड हम सब हमें एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर के तौर पे जानते हैं, लेकिन दिस इज समथिंग एल्स दैट वी हैव स्टार्टेड, सो वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ अवरसेल्फ. हाई फाइव. मैं और तन्वी लाइक दैट वे, हम दोनों जब से मिले हैं वी बोथ आर वेरी सिमिलर. हम दोनों बहुत वर्कोहॉलिक हैं एंड वी लाइक टू यू नो कीप डूइंग समथिंग और दी अदर इन लाइफ, सो दिस इज ऑल्सो अ फेदर इन आवर कैप. ग्रीक फूड के बारे में लोगों ने बॉम्बे में इतना सुना नहीं है, बट बेरूट के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, बिकॉज बेरूट का खाना एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस है. हमारे सारे फ्रेंड्स भी जब हमने बेरूट कहा तो दे वर वेरी एक्साइटेड, बट ग्रीक मेन्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. या वेल एक्चुअली आज का स्पेशलिटी यही है दैट देर इज़ अ ग्रीक मेन्यू बींग इंट्रोड्यूस्ड इन बेरूट, बिकॉज यूजली बेरूट हैज़ मेडिटेरेनियन फूड. एंड बेरूट इतना बड़ा ब्रांड है दैट एवरीबडी वाज लाइक ओ माय गॉड, हम तो आ रहे हैं, वी जस्ट कमिंग, वी सो एक्साइटेड टू ट्राई द फूड. देखो ये हमारा काम है, और अगर आप अपने काम से प्यार करते हो तो आपको सब चीज़ों का प्रेशर नहीं लगता. या यू लव योर वर्क, सो यू आर हैप्पी टू डू योर वर्क. या आई थिंक विद तन्वी एंड मी ना, आई वुड से कि हमारे लिए बहुत नेचुरल है, बिकॉज हम दोनों का नेचर, एज आई सेड, हम लोग वर्कोहॉलिक हैं, वे वेरी पैशनेट अबाउट आवर वर्क, वे आर बबली क्रिएटिव. तो सोशल मीडिया ऑल्सो एक्चुअली वी रियली लव, एंड वॉट एवर यू आर सीइंग आउट देयर, आवर वर्क इज वॉट वी रियली लव. हमारा अगर अप्रिसिएशन हो रहा है, इफ़ यू लव योर वर्क यू विल बी अप्रिशिएटेड, बिकॉज यू विल डू इट विद बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ हम करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस है ये. या और इसलिए शायद लोगों को प्यार भी आता है हमारे काम. एक्चुअली शुरुआत लाइक डाउन्स तो कुछ देखे ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नज़र ना लगे. इट्स जस्ट लाइक आई थिंक लाइक आजकल रिलेशनशिप्स भी इतने लास्ट नहीं होते. Like from the day we met, we just clicked. Yes. And it's just been going in a flow. That's it. I want to see how it started. शायद लोगों को पता नहीं है कि हम शूट कर रहे थे प्यार की कहानी के लिए, और सबको रूम्स दिए जाते हैं. तो मैं कैमियो के लिए आई थी शो में, तो मुझे कहा गया कि आप ये वैनिटी में बैठ जाओ. तो उस वैनिटी में वाबीज भी थी, तो मुझे पहले लगा कि चलो किसी के साथ वैनिटी शेयर करना है, तो मुझे भी अपने धुन में, वो अपनी धुन में रहेगी. ऐसा कुछ नहीं था, व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग आई थिंक पूरी वैनिटी बाहर से आवाज़. 12 साल से बात ही कर रहे हैं, वी डोंट रन आउट ऑफ टॉक्स नाउ. तो ये प्यार की कहानी हमारी वैनिटी वैन से शुरू हुई, और यहाँ पे यहाँ अभी टच हुई. अभी भी प्यार की कहानी चल रही है. आई नो योर बैड क्वालिटी. गुड क्वालिटी वाबीज के बारे में ये है कि वो शी इज़ ऑल हार्ट. That's the first thing. I think anybody knows anything about Vabis is that she's a pure soul. She's all heart. And industry mein reh ke itne sare experiences bhi hum sab ke hote hain, phir bhi uska ye quality badla nahi hai. She's all heart. Aur bad quality ye ki ye mujhse bhi zyada baat karti hai. Lies, no. That's wrong. बहुत बातें करती है. वाबीज के साथ फोन पे आप फोन रख सकते हो और कहीं जा सकते हो, पिक्चर विक्चर देके वापस भी आ सकते हो, तो भी उसके बातें शुरू ही होगी. मुझसे भी ज़्यादा बात करती है, तो बैड क्वालिटी. वेल तन्वी की बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ है, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी लास्टेड टिल टुडे. बट आई थिंक व्हाट रियली रियली अप्रिशिएट अबाउट हर, लाइक यूजुअली लोगों को ये मिथ है दैट टू एक्ट्रेसेस कैन बी फ्रेंड्स, लेकिन तन्वी का ब्यूटिफुल क्वालिटी जो उसके सारे फ्रेंड्स जानते हैं, शी इज़ सो शेयरिंग एंड केयरिंग. वो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, अपना सारा काम सबको बता देती है, सबके साथ शेयर करती है, विच इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी. हु डज दैट? एंड वो बोलती है जिसकी किस्मत में है उनको मिलेगा, एंड दैट्स आई थिंक अ वेरी ब्यूटिफुल क्वालिटी अबाउट हर. एंड ऑफकोर्स शी इज सुपर सुपर हार्ड वर्किंग, एंड हर बैड क्वालिटी शी नोज एंड द होल वर्ल्ड नोज. अगर तन्वी ठक्कर को आप मैसेज करोगे, कभी रिप्लाई नहीं आएगा. कभी नहीं, लेकिन इंस्टा पे दिखेगी, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं आएगा. काम के बारे में मैसेज एंड द होल वर्ल्ड, लोग मुझे आके कंप्लेन करते हैं कि यार शी डजंट रिप्लाई. अब तो आई हैव गिवन अप ऑन हर. एज एन एंटरटेनमेंट के लिए मैं शायद रिप्लाई नहीं, काम के लिए मैं फिर भी रिप्लाई करूंगी, लेकिन मेरा है, वर्ल्ड इज ऑफेंडेड. आई गो इनटू माय शेल. क्या करें, ग्रीक फूड. या वी हर्ड ऑफ ग्रीक फूड एट बेरूट एंड एंजॉय द ड्रिंक्स. बट आज हम फूड के बारे में अगर बात करेंगे तो सिर्फ ग्रीक फूड के बारे में बात करेंगे. मिल जाता है टाइम. आई थिंक दैट एज आई टोल्ड यू वी बोथ आर वेरी ड्रिवन. हम लोग अपने काम के लिए बहुत ही एम्बिशियस हैं और बहुत ही ड्रिवन लोग हैं. वी लव व्हाट वी डू, तो हम अपना टाइम निकाल देते हैं. हाँ, और लकीली मेरा प्रोडक्शन भी बहुत स्वीट है. मैं एक शो भी कर रही हूँ, तो जब भी ऐसे कोई काम का कुछ होता है तो मैं बस उनको बोल देती हूँ कि प्लीज़, और वो बोलते हैं ओके, तो बैलेंस हो जाता है. ओके बारे में आज बात करना है क्या? आई लव माई शो, दैट्स ऑल आई कैन से. जितना प्यार आज तक आप लोग करते आए हो, तो आज हमें तो
यही उम्मीद है कि यू कीप लविंग अस द सेम वे एंड नाउ वी आर एडिंग सो मेनी फेदर्स टू आवर कैप सो कीप लविंग अस एंड सपोर्टिंग अस या थैंक यू सो मच आज तक आप लोगों ने जितना प्यार जितना सपोर्ट दिया दैट इज़ वाई वी ऑल आर हियर बिकॉज आपका लव है इसलिए आज तन्वी ठक्कर और भाभी जुराब जी हम बने हैं सो कीप लविंग अस कीप सपोर्टिंग अस एंड फॉलो योर ड्रीम्स